हेलो एवरीवन, आप सबने कभी ना कभी तो सुना होगा अपने बड़ों से कि कैसे वो बचपन में लैम्प की हल्की सी लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे, और हम नालायकों से मतलब इतना सब होने के बाद भी घंटा कुछ नहीं कर पाते। अब पता नहीं ये बात कहाँ तक सच है, पर आज हम इसी टॉपिक पे बेस्ड एक आर्टवर्क बनाने का ट्राई करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं सोच रहा था कि एक डार्क रूरल स्ट्रीट होगी जहाँ पे हमारी सब्जेक्ट बैठ के लैम्प की लाइट के नीचे पढ़ाई कर रही होगी, और उस काम के लिए ये वाली इमेज तो परफेक्ट थी। अब इसे बैकग्राउंड की तरह यूज़ करके ऐड करेंगे अपनी सब्जेक्ट को, जिसकी लाइटिंग काफ़ी हद तक हमें जैसे चाहिए थी वैसे ही है। तो चलो इसको पेन टूल की मदद से बैकग्राउंड से अलग कर देते हैं। अब जो हमारी स्ट्रीट का बैकग्राउंड था उससे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो टाइम था उसे चेंज करने का, और चैलेंज सिलेक्शन मेथड से हमने इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया और उसे मास्क कर दिया। अब इसके पीछे हम लगाएंगे एक सिटी वाला बैकग्राउंड जो कि कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा एक रूरल एंड एक अर्बन एरिया में, और कैसे एक रूरल एरिया से बिलोंग करने वाला बंदा मेहनत करता है उस अच्छी लाइफस्टाइल को पाने के लिए जो कि उसे शहरों में मिलेगी। अब जैसा कि मौसम बारिश का हो रहा है तो हमें क्लाउड्स भी उसी टाइप के चाहिए होंगे जिन्हें हम बैकग्राउंड में प्लेस कर देंगे। अब टाइम है कंट्रास्ट मैच करने का, इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करके और लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करके ताकि हमें सिर्फ लाइट और डार्क वैल्यूज़ दिखें और उन्हें हम मैच कर सकें। अब कलर बैलेंस का यूज़ करके हम इमेजेस में थोड़ा सा ब्लू टिंट ऐड करेंगे जो कि हमारे पूरे सीन को रेनी वाइब देगा। अब जैसे कि हमें पूरे सीन में कंट्रास्ट दिखाना है सिटी और गांव का, तो हमें सिटी में थोड़ी सी लाइट्स दिखानी पड़ेंगी और बिल्डिंग्स को थोड़ा और ब्राइट करना पड़ेगा ताकि अपने विलेज वाले पार्ट को और डार्क कर सकें और दोनों में कंट्रास्ट मेंटेन हो सके। अब बारी आती है सब्जेक्ट को ब्लेंड करने की, उसके हाइलाइट्स और शेडोज बनाकर। अब क्योंकि ये बारिश का मौसम है तो हमें एक अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी, और ऑल्सो एक लाइट सोर्स भी ज़रूरी है, तो हम ऐड करेंगे एक लैम्प जो कि अम्ब्रेला से अटैच्ड होगा और सब्जेक्ट को रोशनी देगा। अम्ब्रेला और लैम्प को ऐड करने के बाद टाइम था और हाइलाइट्स और शेडोज़ का जो लैम्प की वजह से जनरेट होंगी, और जैसे कि ये बारिश का मौसम है तो हमारे स्ट्रीट भी रिफ्लेक्टिव है तो लैम्प लाइट की रिफ्लेक्शन भी ऐड करनी ज़रूरी होगी।
सीन में सारी चीज़ें तो ऐड हो चुकी थी, बट ये सीन अभी भी बारिश वाला लग नहीं रहा था, तो बारिश को ऐड करने के लिए हमने फेक रेन जनरेट की नॉइस फिल्टर एंड मोशन ब्लर का यूज़ करके। अब रेन ऐड करने के बाद टाइम था मैजिक का, यानी कैमरा और फिल्टर का यूज़ करना। लुक्स वे बेटर देन बिफोर। अब बड़ों की उस कहानी से आपको तो फ़ायदा पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, बट मुझे एक वीडियो ज़रूर मिल गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और इसी टाइप के कंटेंट को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि मुझे किस टाइप की वीडियोज़ बनानी चाहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।